सब कोई चाहते हैं अपना बाल ऐसा मोटा हो, लंबा हो, घना हो और खूबसूरत हो। आज जो मैं ऑयल बना के दिखाऊंगी, वो ऑयल लगाने से आपका बाल लंबा होगा, घना होगा, मोटा होगा और बहुत चमकदार होगा। इसलिए आज का वीडियो आप लोग जरूर देखिए। आज मैं मेथी दाना और नारियल तेल के सहायता से ऑयल बनाऊंगी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नारियल तेल के साथ मेथी दाना को मिलाकर आप लोग कैसे ऑयल बना सकते हैं और इस ऑयल को कितना दिन आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेथी दाना में प्रोटीन और विटामिन सी होता है, जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखने के साथ साथ बालों को भी घना और लंबा करने में मदद करता है। मेथी दाना में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और बालों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। मेथी में पोटेशियम होता है, जो बालों को गिरने से रोकता है। मेथी दाना में विटामिन ए, के, सी, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसे पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। मेथी दाना में कई गुण होते हैं, जो बालों की अच्छी ग्रोथ और स्कैल्प के रिपेयर करने के लिए जरूरी है। इसके साथ हमको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल के जैसे गुण होते हैं। ये बालों को ना केवल मुलायम और चमकदार बनाते हैं, बल्कि बालों से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम को ये दूर करते हैं। ये स्कैल्प को नमी प्रदान करता है और ड्राई स्कैल्प प्रॉब्लम को दूर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, आपका स्कैल्प को हेल्दी रखता है, बालों को हेल्दी रखता है, बालों को लंबा और मोटा और घना होने में मदद करता है। ये ऑयल बनाने के लिए आपको इस चम्मच का एक चम्मच मेथी दाना दरदरा पिसा हुआ लेना है और इस बॉटल का एक बॉटल ऑयल आपको पूरा लेना है। दोनों को मिला लीजिए, ऑयल को और दरदरा पिसा हुआ मेथी दाना को मिला लीजिए। मिला के आप गैस के ऊपर डायरेक्ट भी गर्म कर सकते हैं, नहीं तो डबल बॉयलर मेथड में आप गर्म करके उसको एक ग्लास कंटेनर के अंदर ठंडा करके ग्लास कंटेनर के अंदर बंद करके रख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बनाऊंगी, अभी लगाऊंगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। मैं एक छोटा चम्मच मेथी दाना दरदरा कूटा हुआ ले रही हूँ। उसमें उसी छोटा चम्मच का 3 से 4 चम्मच मैं कोकोनट ऑयल लूँगी। दोनों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं डबल बॉयलर मेथड के सहायता से मैं इसको गर्म कर लूँगी। मैं डायरेक्ट हीट में कभी ऑयल बैठाती नहीं हूँ, गर्म नहीं करती, इसलिए मैं हमेशा डबल बॉयलर के मेथड से गर्म करती हूँ। आप इसको ऐसे ही पानी में बैठा दीजिएगा, पानी बॉयल होते रहेगा, ये ऊपर में रख दीजिएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। देखिएगा बहुत सुंदर नारियल ऑयल का आपको खुशबू आएगा, जैसे झाग निकलने लगेगा आपको पता चल जाएगा जो ये ऑयल रेडी हो गया है। आप अगर रखने के लिए बना रहे हैं तो इस ऑयल को आप ठंडा कर दीजिए, उसके बाद ग्लास कंटेनर के अंदर रख दीजिए और मेथी दाना को उसी के अंदर रहने दीजिएगा। मैं अभी बना रही हूँ और तुरंत लगाऊंगी, इसलिए मेथी दाना को एक छन्नी के सहायता से मैं छान ले रही हूँ। छानने के बाद देखिए, मैं मेथी दाना को छन्नी के सहायता से छान रही हूँ। छानने के बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाऊंगी। आप लोग अगर बड़ा चम्मच का 1 चम्मच मेथी दाना ले रहे हैं, एक पूरा ऑयल का बॉटल ले रहे हैं, तो आप उसमें उसी बड़ा चम्मच का 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाइएगा। मिलाने के बाद उसको रख दीजिएगा। ऑयल बनकर रेडी हो गया। ये ऑयल आप 15 दिन से 1 महीना तक आप रख सकते हैं। आप जिस दिन ऑयलिंग करेंगे रात को इस ऑयल से ऑयलिंग कर लीजिए, दूसरा दिन सुबह आप शैम्पू कर लीजिए। अगर आप रात को नहीं लगाना चाहते हैं, जिस दिन आपको शैम्पू करना है उसी दिन आप लगा के 3-4 घंटा रख दीजिएगा, उसके बाद शैम्पू कर लीजिएगा। जब भी आप लगाइएगा
आप सर पे इसको सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिएगा। मसाज करके आपको पूरे स्कैल्प पे लगाना है, स्कैल्प के साथ साथ आपको हेयर में भी लगाना है। लगा के आप इसको 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। मैं रात को लगाती हूँ, लगाने के बाद मैं जूड़ा बांध के रख देती हूँ, दूसरा दिन शैम्पू कर लेती हूँ। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।